पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर ने बीजक में ज्ञान चौतीसा एक प्रकरण कहा है। क ख ग घ सभी अक्षरों पर उन्होंने सुंदर उपदेश दिया है। वर्णमाला जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, क माने कबूतर, ख माने खरगोश, गामाने गणेश, तो किसी को ऑब्जेक्शन हुआ, भाई गणेश हिंदू माने, मुसलमान भी पढ़ते, ईसाई भी पढ़ते, वो गणेश तो नहीं मानते, तो कहे गामाने गधा, गधा को सब मानते, तो गामाने गधा फिर का हुआ, घमाने घर, गामाने कुछ नहीं, ऐसे च छ ज झ या, तो च का छ का ज का झ का अर्थ दिया गया, लेकिन यहाँ का नहीं, अनुसार का वर्णमाला में कोई अर्थ नहीं। सदगुरु कबीर ने अनुसार का भी अर्थ किया है और बहुत प्रेरणादायक उपदेश दिया है। च छ ज झ या, यहाँ पर उन्होंने कहा, यहाँ निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहु, जहाँ न देख तहाँ भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है ताले पहचाने। यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, यहाँ निग्रह स्नेहु, यहाँ अनुस्वार है, निषेधात्मक है। तो साहब कहते हैं मोह का निषेध करो, यहाँ निग्रह स्नेहु, यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का मोह का निग्रह करो, त्याग करो, और कर निर्वार संदेहु, संदेह का निराकरण करो, संदेह को काटो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप एहु, परम सयानी जीवन में क्या है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है, जिसको देखते हैं कि साथ में चलने वाला नहीं है, उसके पीछे न भागे, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप एहु, जहाँ न देख तहाँ आप भजाओ। साहब कहते जहाँ देख रहे हो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं, उसी पीछे पीछे भाग रहे हो, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ लाओ, तन मन लाओ, जहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है वहीं तूने अपने तन मन को लगा दिया है, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ तेरा कुछ नहीं है वहाँ तूने अपना सर्वस्व मान लिया है। इतना फटकारने के बाद तब साहब कहते हैं जहाँ है तहाँ ले पहचाने, जहाँ है वहाँ पहचान। साहब सब संकेतों में कहते हैं, यहाँ किसी भावात्मक या निषेधात्मक बिंदु का नाम नहीं लेते हैं, शुरू में नाम लेते हैं कि मोह का त्याग करो, यहाँ निग्रह स्नेह हो, फिर कहते हैं संदेह का त्याग करो, संदेह में क्या है ये नहीं कहते हैं, फिर कहते हैं कि जो तुम्हारा नहीं है, जहाँ तुम्हारा नहीं है उसमें तुम पछते हो, जहाँ है वहाँ पहचानो, सब संकेतों में उनका कथन है। बीजक पढ़ने वाले के लिए ये सब सरल है, क्योंकि साहब ने अपनी वाणी में दर्जनों बार एक एक विषय को कहा है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, लखनऊ के तीन पंडित थे मिश्र, तीन भाई थे, वो जब कुछ लिखते थे तो तीनों लिखते थे, एक लेख लिखना है तो तीनों लिखते थे, उसमें सबकी शैली एक, सबकी भाषा एक, इसलिए मिश्र बंधुओं कहा जाता है। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न उन्होंने लिखा है, उसमें कबीर साहब पर
95 पृष्ठों में लिखा है। किसी ने प्रश्न उठाया कि कबीर की वाणी में कई वाणी में मिलावट है। उन्होंने लिखा है चाहे कोई कितनी मिलावट करे, लेकिन कबीर ने अपने विचारों को जो कहा है वो दर्जनों बार कहा है। कबीर के विचारों को दबाने के लिए कबीर की पूरी वाणी उच्छिन्न करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। इसलिए कबीर की बात छिप नहीं सकती है। उन्होंने बारंबार कहा हमारे कबीर साहब ऐसा कहते हैं। कोई ऐसा कहता है भाई वेद मानो तो सही, कोई कहता अवतार मानो तो सही। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि सत्य को समझो। इतने भावपूर्वक उन्होंने कहा है, 100 वर्ष के पूर्व की बात है। मिश्र बंधुओं ने उस जमाने में जिन्हें जोरदार भाषा में कहा, बड़ा अद्भुत है। तो कबीर साहब की बातें, उनकी वाणी पढ़ने वाले सब सरल हैं उनके लिए। यहाँ साहब संकेतों में आगे कहते हैं, शुरू में स्नेह और संदेह का निराकरण करने कहते हैं। यहाँ निग्रह स्नेहु, यहाँ अक्षर कहता है स्नेह का त्याग करो, मोह का त्याग करो। मोह का त्याग क्यों किया जाए? क्योंकि जिसमें हम मोह करते हैं वो हमारा नहीं है, एक धोखा है। मोह धोखा है। मोह करने से हमारा विवेक सो जाता है और हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए सत्य ओझल हो जाता है। कल मैंने कहा था सोने के मृग के पीछे राम दौड़े, एक वो निर्देश है। राम सोने के मृग के पीछे नहीं दौड़े, कहानी के अनुसार दौड़े। जो राज को तृण की तरह छोड़ दिया, और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनको शोक नहीं हुआ, वो सोने के मृग के पीछे नहीं दौड़ेगा, क्योंकि सोने के मृग होता नहीं है। रामायण रहस्य में सब विवरण से मैंने लिखा है। सीता हरण कुछ और ढंग से हुआ होगा, लेकिन उस कथा के चक्कर में अभी नहीं जाना है। इतना है, सोने का मृग एक रूपक है। सारा संसार सोने के मृग के पीछे दौड़ता है, और सोने का मृग कहीं नहीं है। जो हम लोग दुनिया की चकर मकर में लुभाए हैं, ये सोने के मृग के पीछे ही दौड़ना है। जो चमकता है वो कब तक चमकेगा? और चमकने से भी क्या लाभ होगा? कोई चीज चमकती है तो उसे हमारा क्या लाभ होगा? सब कुछ छूट जाती है। हमारा जहां तक राग है वह उन वस्तुओं में है जो हमारी नहीं है, और ये पीड़ा का कारण है। मन नरक क्यों बना रहता है? छूटने वाली वस्तुओं में मोह करने के कारण भयभीत आदमी क्यों है? अगर देह पर हमारा मन अटका है तो भयभीत रहेंगे, आत्मा के विचार में है तो निर्भय रहेंगे। आत्मा नित्य है, देह अनित्य है। आत्मा सूक्ष्म है, निर्विशेष है। निर्विशेष में मोह नहीं होता, सविशेष में मोह होता है। जमीन है, जमीन में मोह नहीं होता है, लेकिन जमीन में से निकाल करके मिट्टी एक घड़ा बना लिया जाए और घड़ा हमारा है तो घड़ा में मोह होगा। जमीन भी कुछ भूखंड खरीद लिया है उसमें मोह हो गया, क्योंकि वो विशेष हो गया,
एक चक हो गया, एक प्लाट हो गया, विशेष हो गया। निर्विशेष जमीन में कोई मोह नहीं, निर्विशेष में मोह नहीं होता, सविशेष में मोह होता है, विलक्षण में मोह होता है, सामान्य में मोह नहीं होता है। जितना दृश्य जड़ है, जो कुछ हम देखते हैं, इसका मूल है प्रकृति, जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति से दुनिया की सारी चीज़ें बनती हैं और उसी में लीन होते हैं। जड़ प्रकृति में मोह नहीं हो सकता, उनसे बने कार्य पदार्थों में मोह होता है, सब शेष हो जाता है। मोह का निवारण करो, मोह फांसी है, मोह के कारण पीड़ा होती है, मोह के कारण विकार पैदा होते हैं, मोह के कारण ही काम क्रोध लोभ मोह सब बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह समस्त मानसिक व्याधियों की जड़ है। कबीर साहब ने कहा, काहिं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाय। वह उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। मोह त्याग करके काम करो, सुजनों परजनों को शुद्ध स्नेह दो, शुद्ध प्रेम दो, मोह नहीं। मोह और प्रेम में फर्क है। वैसे प्रेम बहुत बदनाम हुआ है, प्रेम हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें एक घटना याद आ जाया करती है। शाम का प्रवचन था, 5 बजे प्रवचन के बाद जब उठा, घूमने निकला, छत्तीसगढ़ की बात है, बहुत पुरानी घटना है, वहाँ के प्रसिद्ध भक्त सभा में नहीं थे। जब निकला घूमने चला तो रास्ते में मिल गए। मैंने कहा, तुम सत्संग में नहीं थे? कहे, हाँ साहब, एक मीटिंग में जाना पड़ा। मैंने कहा, कैसी मीटिंग? वो प्रेम की बात थी। तो उनके प्रेम में क्या मीटिंग? तो हंसने लगे, आप जान गए होंगे, लड़की लड़का का प्रेम हो गया, प्रेम नहीं हो गया, वासना हो गई, मोह हो गया। प्रेम में कहीं मीटिंग करने की जरूरत पड़ती है? प्रेम में दिया जाता है, लेने की चेष्टा नहीं होती। महाराज राम को भ्रातृत्व में प्रेम था, माता पिता की आज्ञा में प्रेम था, तो वे वचन सुनते ही उसी दिन जंगल को निकल गए, त्याग दिए। ये प्रेम का लक्षण है। कौरव पांडव में प्रेम नहीं था, राज के लिए भोग थी। कौरव बैठे थे कुंडली मार करके, दुर्योधन शर्त पूरी होने पर भी नहीं देना चाहते थे, पांडव लेना चाहते थे। वैसे युधिष्ठिर ने जब युद्ध के बाद विनाश के दर्द से वो पीड़ित हुए हैं, विजय ज्यादा बुराई है कि हार ज्यादा बुराई है? लाओत्से कहते हैं, चीन के एक संत हुए हैं, आज से 2500 वर्ष पूर्व, लाओत्से। उनकी पुस्तक का नाम है ताओ ते चिंग, ताओ नाम नियम, ते नाम सदगुण, चिंग पुस्तक, ये चीनी भाषा में है। इस समय मैं उस पर भाष्य लिखता हूँ, चीनी तो मैं जानता नहीं। इंग्लिश के विद्वानों ने, यूरोप और अमेरिका के विद्वान बिसनी हैं विद्या के, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद कई किया। अब चीन वाले भी जो इंग्लिश जान गए करते हैं, तो इंग्लिश के आधार पर समझ करके वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा एक सूत्र में, जिस पर मैं आज ही लिख रहा था सुबह, स्व निकट है कि सुयस निकट है, संपत्ति निकट है कि स्व निकट है, हार बुरी चीज है कि विजय बुरी चीज है। पहली में उन्होंने सब कहा, कबीर की याद पदे पदे आती है, कबीर का उदाहरण भी देना पड़ता है। स्व निकट है, सुयस निकट नहीं है। सुयस तो झूठ है, एक हवा है। थोड़ी बात मैंने कल कही थी, जो आदमी संयम रखता है और शील रखता है,
और सेवा भावी है उसका श्रेयस होता है, अपने पर संयम है और शीलवान है और दूसरे की अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करता है उसका श्रेयस होता है। श्रेयस ऊपर का फूल है। खास बात तो है संयम शील और सेवा से वो अमृत का सागर हो जाता है, वही असलियत है, वही उसका स्व है और वही उसके निकट है। और जो सुयस है लोग कहते हैं बड़ा अच्छा, हवा में उड़ गए जो कहा कागज में लेके तो कागज में एक स्याही का चिन्ह होगा। जिसका हम सुयस करते हैं उससे उसका कोई मतलब नहीं, स्वयं झूठा है, व्यर्थ है। इसलिए विवेकवान स्वयं के पीछे नहीं पड़ते हैं। स्व पर ध्यान देते हैं। इसी प्रकार संपत्ति निकट है कि स्व निकट है? स्व निकट, संपत्ति निकट नहीं। संपत्ति कहते हैं अतिरिक्त धन को, जो कमाते खाते उनको कोई संपत्तिवान नहीं कहता है, धनी नहीं कहता। कमाते खाते हैं अधिकतम लोग, कमाते खाते हैं। जिनके पास अतिरिक्त चीजें होती हैं उनको कहते हैं वे संपत्ति वाले हैं। संपत्ति निकट नहीं है, संपत्ति जहां तहां पड़ी है। संपत्ति वाला याद करता है तब ख्याल होता है, इतनी जमीन है, इतने मकान है, बैंक में इतना पैसा है, ऐसी फैक्ट्री है, ऐसा माल है, ये चीज है। वो जब जब याद जो होगा वो दिमाग में आएगा, फिर भूल जाएगा और सब जहां का तहां रह जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि से भोजन कपड़े निवास व्यवहारिक दृष्टि से वही निकट है, अब वो भी अंत में दूर है। शरीर छूट जाने पर तो कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन स्व से कोई अलग नहीं होता है। स्व खुद सेल्फ अपने आप से कोई अलग नहीं होता है। जागृत में हम अपने साक्षित्व में सारी बातों को जानते हैं। कौन जानता है? मैं। जागृत में भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में भासात्मक ज्ञान होता है, आभास। वहाँ पदार्थ नहीं होता लेकिन आभास होता, प्रतीत होता है। वहाँ ट्रेन नहीं है, समुद्र नहीं है, पर्वत नहीं है, मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है, लेकिन सपना में ये सब आभास होता है। आभासात्मक ज्ञान सपना में होता है और जब हम सुसुप्त में जाते हैं तो अभावात्मक ज्ञान होता है, कुछ नहीं जानते। जाग करके कहते हैं सुख से सोया। गाढ़ी नींद में भी हम जानते हैं कुछ नहीं को, कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं को कौन जाना? मैं। जागृत में भावात्मक ज्ञान, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान, तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता है स्वयं आप खुद सेल्फ स्व, वो निरंतर है। लेकिन सुषुप्ति और स्वप्न में आपका ऐश्वर्य नहीं है, सब भूला है। एक राजा सोया था, सपना देख रहा था। सपने में वो भूखा पर्वत के तराई में घूमता अकेला, 3 दिन का भूखा हो गया, बहुत पीड़ित है, असहाय हो गया। तो तराई में गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनसे वो मांगता है तो एक चुटकी चावल दाल कोई देता है। जब कुछ हो जाता है तो एक कुम्हार से वो हंडी मांगता है, उसमें रख करके वो पकाता है। जब खिचड़ी पक जाती है तो केला का पत्ता लाता है, उस पर ढाल देता है। बेताब है मन, ठंडी हो और खाओ। इतने में 2 जबरदस्त भैंसे लड़ते हुए सामने आ गए, वो भयभीत हो जाता है और इतने में भैंसे टूट पड़ते हैं उस पर, खिचड़ी को रोक देते हैं, राजा को खदेड़ देते हैं,
राजा चक जाता है, आश्चर्य होता है। इतना प्रबंध है कि यहाँ मक्खी भी नहीं आ सकती, भैंसी कैसे आ गई? हजारों को भोजन देने वाला स्वयं भूखा कैसे, भिखार कैसे? दिन हुआ, एक संत के पास गया। महाराज वो सच की ये सच। संत ने कहा सपने में राज था, कह नहीं था। कह जागृत में सपना का दुख है, कह नहीं है। कह तुम? कह मैं तब भी था, आप भी हो। तो कह तुम ही सच हो, ये दोनों झूठ है। सपने में भी तुम थे, अभी भी तुम हो, लेकिन सपने में राज नहीं, राज में सपना नहीं, ये दोनों झूठ है और तू सच। जागृत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्थाओं में जो विद्वान रहता है वो स्वसत्ता, वही आत्मा कहलाता है। रूप सोल भिन्न भिन्न भाषाओं में कहते हैं, उसी को ब्रह्म परमात्मा भी कहा जाता है। सबके अंदर में जो स्वसत्ता है, आत्मसत्ता आपका होना, इस शरीर में दो मैं हैं, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं शरीर और शरीर के नाम रूप है। माधो, मेरा नाम माधो, माधो नकली, शरीर नकली है, माधो नकली, कोई नाम हो नकली है। इसमें जो मैंपन है वो नकली है, लेकिन जो शुद्ध चेतन है वो असली है। असली मैं आत्मा, असली मैं शरीर और उसका नाम रूप नहीं। तो आत्मा जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्त में, तीनों अवस्थाओं में नित्य विद्यमान है। वो आपका धन है, वो आपकी चीज है, इसका बोध लोगों में नहीं। धर्मोपदेश में ज़्यादा महिमाएं, बड़े बड़े पंडालों में भगवान की महिमा, अवतार की महिमा, पैगंबर की महिमा, देवता की महिमा, तीर्थों की महिमा, गंगा जल की महिमा, एकादशी की महिमा, महिमा महिमा। सस्ते सस्ते नुस्खे से आपका सब दुख दूर करने की चेष्टा, ये ज़्यादा। आत्मज्ञान की चर्चा बहुत कम है। अपने को पहचानो। स्वसत्ता के अलावा जो कुछ दिखाई देता है ऊपर है। अध्ययन के केवल दो विषय ध्यान दीजिए, स्व और पर। स्व खुद और पर, ये प्रकृतिकरण कार्य का जाल जो दृश्यमान है। पर को पहचान करके और स्व को पहचान करके, पर से लौट करके स्व में स्थित हो जाना, ये जीवन का फल है। स्व को समझो, अपने को समझो और पर को समझो। पांचों ज्ञानेन्द्रिय और मन से जो प्रतीत होता है वो पर है, और जिसको प्रतीत होता है वो स्व है। मुझे प्रतीत होता है तो मेरा अपना आत्मा स्व है, खुद है, और जो प्रतीत होता है वो विषय पदार्थ है, वो पर है। जो प्रतीत होता है उसी में मोह होता है और रहने वाला नहीं। मनुष्यों का मन बदलने वाला है, मित्र शत्रु, शत्रु मित्र हो जाते हैं, मध्यस्थ हो जाते हैं, शरीर बिगड़ जाता है, बीमार हो जाता है, नहीं रह जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। जो कुछ भी हम पसारा देखते हैं वो स्थिर नहीं, उसी में मोह है, इसीलिए पीड़ा है। और हम सदैव भयभीत हैं इसको संभालने के लिए, जो संभल नहीं सकता। शरीर को कोई नहीं रोक सकता है बुढ़ापा से, मृत्यु से, वियोग से, कोई नहीं रोक सकता है। और उसी में मोह है, इसीलिए पीड़ा, इसीलिए मन नरक बना हुआ है। झूठ चीजों में मोह करके इतना इतना पाप हो रहा है, व्यभिचार, हत्या, चोरी, डाका, छल कपट, अनेक अनेक अत्याचार, ये मोह बस। यहाँ निग्रह स्नेह साहब कहते हैं, यहाँ अक्षर कहता है मोह का त्याग करो।
कर निर्वार संदेह, संदेह का निराकरण करो। संदेह भ्रम, जगत किसने बनाया, दुनिया की पुस्तकों में भिन्न भिन्न ढंग से बताया गया, दुनिया बनाया किसने, दुनिया है, मूल द्रव्य नित्य है, उसके गुणधर्मों से जगत नित्य है, मिट्टी पानी आग हवा नित्य है, वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इत्यादि कहें वो नित्य हैं, वे भी 100 से अधिक तत्व मान करके 4 में सबका समाहार करते हैं, ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य। हम लोग मिट्टी पानी आग हवा कहते हैं, आकाश शून्य। तो जड़ प्रकृति नित्य है, उसके गुणधर्म उसमें नित्य है, उससे जगत का प्रवाह नित्य है। शुरू कब हुआ, ये सब समय वेद के ऋषि कहते हैं को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर्त, स्तनवंतम यदनस्ता विवर्त, जो अनस्था है वो स्तनवंत को धारण करके गतिशील है, उस अनस्था को किसने जन्मते हुए पहले देखा, स्तनवंतम अनस्था विवर्त, हड्डी रहित मूल प्रकृत हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित है, स्थूलता रहित है, सूक्ष्म है, और ये जगत पेड़ पहाड़ चांद सितारे सारा प्रपंच ये हड्डी वाली पार्थिव है, स्थूल है, ये सारा स्थूल जगत उस सूक्ष्म प्रकृति से निर्मित होता है। एक पेड़ देखो जिसमें बैलगाड़ी से अगर आंका जाए तो 100-100 बैलगाड़ियां लकड़ी एक एक पेड़ में निकल जाती है, बड़े पेड़ों में ट्रक के बाद अलग है, और पेड़ के नीचे खोद करके देखो कहीं खाली नहीं है। हर साल आप खेत में फसल उगाते हैं 2-2 बार और गाड़ी गाड़ी काट करके ले जाते हैं खलिहान, जमीन नीची नहीं होती, जमीन के नीचे खाली नहीं होता है, ये प्रकृति का स्वभाव है। ऊर्जा लेकर के चारों तरफ से काज पदार्थ बढ़ते हैं, 2 पर्वतों के बीच में घाटी है, घाटी खाली है लेकिन उसमें ऊर्जा है, उससे लेकर के ऊर्जा पर्वत बढ़ते हैं। तो जो सूक्ष्म पदार्थ है वो निरंतर है, सदा है, खुद आदर्श किसने देखा, प्रथमम जायमानम पहले उत्पन्न होते हुए, स्तनवंतम यदनस्ता विवर्त, जो सूक्ष्म प्रकृति है जो स्थूल जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है, उस सूक्ष्म प्रकृति को किसने उत्पन्न होते देखा है। कबीर दुनिया ना हती तब रहा एक भगवान, जिन यह देखा नजर भर सो रहे हो कोने मकान। दुनिया नहीं थी तब एक भगवान था, तो ये देखने वाला किस मकान में था, दुनिया सदा से पहले मुर्गी की अंडा कहते अंडा, बिना मुर्गी कैसे कहे, हाँ पहले मुर्गी, तो बिना अंडे मुर्गी कैसे, पहले बीज है कि वृक्ष, ये सब प्रवाह रूप नित्य है, ये कहीं से आरंभ नहीं हुआ है और ये ऐसे चलता है। छारितुओं का परिवर्तन, सूर्य चंद्र इत्यादि की क्रियाएं, ये सब स्वाभाविक स्वतः स्वचालित है, इनको कोई देवता बना के चलाता नहीं, ये निरंतर गतिशील है। भूत प्रेत भ्रांति, भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं होते हैं, आकाश में कोई देवी देवता नहीं तैरता है जो आपके ऊपर कूद पड़े, आपका पुरुषार्थ दैव है, आपका परिश्रम दैव है, अपने परिश्रम को संभालिए, गिड़गिड़ाइए मत, आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है, प्रार्थना के बल पर सब प्राप्त करने की चेष्टा भ्रम है।
लाल जी के विषय में जो मैं कह रहा हूँ ताओ ते चिंग की पुस्तक पर, पूरी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा है किसी प्रार्थना करने को कुछ पाने को। एकदम तत्व की बात वो महापुरुष कहता है और साधुता की बात कहता है जो गृहस्थ गृहस्थ के लिए कल्याणकारी है। धार्मिकों ने सस्ते सस्ते नुस्खे बहुत बांटे हैं, गंगा में नहाओ सब पाप कट जाए, और अमुक तीर्थ में जाओ उद्धार हो जाए, अमुक नाम जपो पाप कट जाए, अमुक मंत्र जपो पाप कट जाए। नदी में नहाना अच्छा है, तीर्थों में घूमना चाहिए, देश में तीर्थ बनाए गए तो भ्रमण करोगे अपने देश को उसका ज्ञान होगा, अच्छा है। नाम और मंत्र जपना भी अच्छा है, कोई पवित्र नाम जपो, कोई पवित्र नाम मंत्र जपो, कुछ भावना की पवित्रता आएगी, सात्विकता आएगी, अच्छा है। लेकिन पाप कट जाएगा, पाप करना बंद करो, पापों को नहीं कटेगा, पाप बंद करेंगे तब पाप कटेगा। तो सस्ते नुस्खे बहुत दिए गए हैं और ये मनुष्यता के साथ छल है। विवेक से इन सब बातों को समझो। कर्म का सिद्धांत धार्मिकों ने बहुत ढीला कर दिया है, और ये 2,500 वर्षों से तो बड़ी विकृति आई है। 2,500 वर्षों के बीच में ऐसे ऐसे ग्रंथ बने हैं, सस्ते नुस्खे उसमें बताए गए हैं कि हद हो गई है। प्रयाग में जो मुंडन करा ले उसका मोक्ष हो जाता है, कितना सस्ता है। एकदम दिमाग खराब करके ऐसी बातें लिखी गई, हो सवास में नहीं। और संस्कृत में जो लिखा जाए वो झूठ कैसे होगा, ये भी भ्रम है। संस्कृत एक भाषा है, उसमें जो लिखो वही लिख उठेगा। बाम मार्गियों की किताब संस्कृत में ही है, जिसमें मदरा मांस मैथुन इत्यादि का सेवन मोक्ष का मार्ग माना गया है। उसमें लिखा है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतित भूतले, शराब पियो 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 जब तक जमीन पर न गिर जाओ, पीते रहो। 5 बार शराब पी करके जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म न देते थे, फिर पुनर्जन्म नहीं हो। ये संस्कृत में लिखा है, संस्कृत एक भाषा है, उसमें गाली भी लिखी जा सकती है, आशीर्वाद भी लिखा जा सकता है। इसलिए किसी भाषा के मोह में मत पड़ो, और किसी गुरु के मोह में मत पड़ो, किसी पंथ के मोह में मत पड़ो, किंतु तथ्य को समझने की चेष्टा करो। तथ्य क्या है? महाराज जी 500 वर्ष के हैं, ज़्यादातर देखा जाता है लोग 100 के अंदर मरते हैं, कोई कोई 100 के ऊपर जाते हैं, कई 100 वर्ष का कोई नहीं होता है। पुराणों में लिखा है अरबों वर्ष जीना राजा परिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य की, श्रीमद् भागवत में लिखा है। अब श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ कैसे प्रमाण न माने? 11 अरब वर्ष राज्य करते रहे हो, वेद के ऋषि ऐसा नहीं कहते, चारों वेदों में कहीं एक पंक्ति ऐसी बात नहीं। वेद के ऋषि बड़े निर्छल हैं, ईमानदार हैं, 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं वेद के ऋषि, केवल 100 वर्ष जीना चाहते। जीवेम श्रद्धा सतम, श्रृणयाम श्रद्धा सतम, पश्याम श्रद्धा सतम, 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष सुने, कहीं कहीं शताधिक कहा है। तो 100 से ऊपर भी कुछ लोग जाते हैं। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 24 दिन रह करके शरीर छोड़े, 24-25 दिन रह कर। अभी वहाँ के एक मियाँ जयपुर के 138 वर्ष में शरीर छोड़े हैं। तो 100 से ऊपर कुछ लोग चले जाते हैं। 11 अरब वर्ष राज अमुक ने तब किया, 11,000 वर्ष तक बेलपत्र खाया, 15,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा, सब बकवास। धर्म के नाम पर जितना वर्गलाया जा सकता और किसी में नहीं वर्गलाया जा सकता। व्यापारी राजनेता और वकील ये बदनाम है अपनी झूठाई के लिए, और धार्मिक अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित है।
लोग कहते हैं वकील झूठ बोलता है, व्यापारी झूठ बोलता है, नेता झूठ बोलता है, धार्मिक झूठ बोलते हैं तो महिमा है। गुरु बाबा 500 वर्ष के हैं, गुरु बाबा अन्न नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं दूध पीते हो, फल खाते हो। गुरु बाबा आकाश मार्ग से चलते हैं, गुरु बाबा जो चाहे सो कर दे और अपना बीमार रहते हैं। तो ये सब बकवास, संदेह का निवारण करो, तर्क से समझो, तर्क की जरूरत है, सुतर्क हो कुतर्क न। परंपरा में सम्मान्य नहीं और सब तिरस्कार नहीं। सारी परंपराओं में विकृतियां आती हैं, उनको शोधने की जरूरत है। इस पर फिर कभी और विस्तार से कहूँगा, अवसर होगा। संदेह का निवारण करो, इतना समझ लो कि आपको दुख सुख देने वाला कोई नहीं है। हमें और आपको दुख और सुख मिलते हैं अपने कर्मों के फल से, और प्रतिदिन में भी जो हमें दुख होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। पत्नी के कारण दुखी है, पति के कारण दुखी है, भाई के कारण दुखी है, अमुक के कारण दुखी है, ये बकवास है। अपने अज्ञान के कारण दुखी है, अपनी बेसमझी के कारण दुखी है। किसी ने हमारा आदर नहीं किया तो दुखी हम क्यों? किसी ने कट कह दिया तो दुखी क्यों? जब तक आप अपने को अंदर से मजबूत न बनाएंगे कभी सुखी नहीं होंगे। अपने को अंदर से मजबूत बनाओ। समस्त घात प्रतिघात निर्विकार भाव से सह दो, फिर अच्छे अजर अमर पद में स्थित हो जाओगे। अपने को मजबूत करो, कोई हमें दुख नहीं देता, कोई सुख भी नहीं दे सकता है। सुख दुख तो मन की अनुकूलता प्रतिकूलता की अनुभूति है। मन को ऐसा बना ले सम कि सब समय समता में रहे, कोई तकलीफ नहीं, कर निर्वार संदेह हो। माया सबको भटकाती है। माया आकाश में बैठी है, भगवान की माया सबको नचा रहे। भगवान सज्जन है कि दुर्जन है? भगवान दुर्जन हो प्रश्न ही नहीं उठता, तो माया कैसे रखेगा? एक आदमी कटही कुतिया रखे रहे और सब पर लुहकार दे कटवावे, अच्छा तो नहीं हो। अगर इस काम को नहीं त्यागेगा तो लोग उसको पकड़ के उसकी कुतिया को छीनेंगे, जो बन सके करेंगे, नहीं चलेगा तो फिर थाने भी जाएंगे। कोई कुतिया लिए रहे और सबको कटाता रहा है, वो ऐसे बचा रहेगा? भगवान कुतिया लेकर के माया की कुतिया सबको कटवा रही है, अब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? थाने में जाना चाहिए, कैसे भगवान को बुलावे थानेदार? लोग भगवान का अर्थ गलत करते हैं, माया का अर्थ गलत करते हैं। भग्न कर दिया है मान जिसने, वो है भगवान। बंधनों को काट दिया वो भगवान है, वो माया रखेगा। माया है मोह, माया है भ्रम, माया है धोखा। भगवान माया नहीं रखता है, हमारी माया हमें भटका रही है, भगवान की माया नहीं। एक लड़का किसी लड़की से मोह करने लगा तो भगवान की माया है कि उस लड़के की माया है? कोई तंबाकू खाना शुरू कर दिया तो भगवान ने खिलाया है कि उसने अपनी भूल से खाया है? उसकी भूल है, नहीं खाना चाहिए, गंदी चीज है। भगवान की माया भटका रही है, बहुत गलत सिद्धांत है। माया कोई जानवर नहीं है जो आकाश में बैठी और आपके ऊपर कूद पड़े। माया मन का मोह है, मन का भ्रम है, मन का ज्ञान है, वो हमारी बनाई है, हम माया बनाते हैं। और जीवन में कितनी बार माया बनाते हैं फिर खोते हैं, और बनाते हैं और खोते हैं, और उसी प्रवाह में बहते हैं। किसी से मोहब्बत हो गई, माया बन गई। किसी कारण मोहब्बत घट गई, माया घट गई।
लेकिन दूसरे ढंग से द्वेष हो गया तो भी माया है। तो माया मन का मोह है। साहेब ने भगवान की माया नहीं कही, उन्होंने कहा माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए, जो मन पर हरदम चढ़ी रहे वो माया है। किसी से ज्यादा मोहब्बत है तो वो हमारे मन पर हरदम चढ़ा रहता है, और किसी से वैर है तो वो चढ़ा रहता है। जिससे वैर है उसको उच्छिन्न करने की चेष्टा में हम सदैव रहते हैं, और जिससे मोह है उससे चिपकने के चक्कर में रहते हैं। दोनों झूठ है। जहां जिम्मेदारी है सेवा करो, मोह न करो। मोह से विवेक सो जाता है, कर्तव्य बुद्धि नष्ट हो जाती है और दुख पैदा होता है। सेवा करो, सेवा कर्तव्य है करना। लोगों के द्वारा मेरी सेवा होती है, मुझे भी सेवा करना चाहिए, मोह नहीं। संदेह का त्याग करो। अनेक संदेह हैं। घर से लोग निकलते हैं, कोई छींक दिया, काम बिगड़ गया। बाएं फड़कता है पुरुष का तो काम बिगड़ गया, देवियों का दाएं फड़कता है तो काम बिगड़ गया, काना ब्राह्मण विधवा स्त्री मिल गई तो काम बिगड़ गया, विधुर पुरुष मिला तो नहीं बिगड़ा। विधवा स्त्री अपराधी है, विधुर पुरुष अपराधी नहीं। क्या क्या बेकार की बातें हैं। छींक हुआ काम बिगड़ गया, टोक दिया किसी ने तो काम बिगड़ गया, दिशा शूल मानते हैं, सब झूठ है। अंग फड़कने से कोई हान लाभ नहीं, छींकने से कोई हान लाभ नहीं, दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके लिए अशुभ है। हमारे लिए अशुभ है हमारे अशुभ विचार, गंदे विचार, उसको त्याग है। आजकल इस वैज्ञानिक युग में भी टीवी पर कितना विकारी चीज आती है, लोग बताते हैं। मैं तो टीवी देख नहीं पाता हूँ, लोग बताते हैं। अश्लीलता, विषय वासना, उत्तेजक बातें तो रहती ही हैं, अंधविश्वास की बात है उसमें तो और सरल है अंधविश्वास की बात बताने में। एक स्त्री है, हाथ उसने उठाया और पुरुष हो गया। फिल्माने ऐसा है कुछ विधा, उसमें कुछ को कुछ दिखा देंगे। एक चूहा कूदता हुआ हाथी बन जाएगा, बंदा तो कुछ नहीं है, चूहा चूहा रहेगा, हाथी हाथी रहेगा। लेकिन फिल्माने कितने तरीके हैं सब। तो अंधविश्वास की बातें खूब फैलाई जा रही है, और इसमें लाभ है, फैलाने वालों को पैसा मिलता है, सरकार को भी मिलता है। चिंता किसको है कि सत्य का प्रचार हो सत्य का ना हो। कोई आपके लिए अड़चन नहीं है, आपके कल्याण मार्ग में, आपके सुख के रास्ते में कोई रोड़ा बनी नहीं सकता। मैं खुद अपने को छोड़ करके मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा दुश्मन मैं हूँ। मेरे मार्ग में रोड़ा खुद मैं हूँ, मेरा अविवेक, मेरा ज्ञान, मेरा मोह। मैं खुद ठीक हो जाऊँ सब सीधा हो जाएगा। उपदेश वही सही है जो मनुष्य को उसके कदमों पर खड़ा करे। जो परावलंबी बना है वो उपदेश उपदेश नहीं तो गड्ढे में डालने वाला है। कोई भगवान हमें नरक में डाले है, भगवान ऐसा क्यों करेगा? भगवान तो पवित्र है। शैतान भी कोई नहीं जो हमें गड्ढे में डाले हो। कोई भगवान कोई शैतान हमें दुख देने वाला नहीं। किसी की माया हमें परेशान नहीं करती, हमारी माया हमें परेशान करती, वो हमारी बनाई है, उसे हमें खुद समझना है और खुद मिटाना है। ये आशावान सिद्धांत है। कर निर्वार संदेह, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप हो। परम सयानप क्या है, बड़ी बुद्धिमानी क्या है? बड़ी बुद्धिमानी यह है कि जिसको देखे कि साथ में चलने वाला नहीं है उसके पीछे पीछे भागे ना।
भागने का मतलब है इन छूट जाने वाली चीजों के लिए पाप करना, तृष्णा रखना, अशांत रहना। जब तक जीवन है, जीवन गुजर के लिए श्रम करना ठीक है, हल चलाना ठीक है, नाली साफ करना ठीक है, कारखाना, दुकान, ऑफिस, काम, वहाँ पर काम करना ठीक है, टट्टी फेंकना ठीक है, मेहनत करना चाहिए, वस्तुओं के पीछे न भागे। प्राप्त वस्तुओं में संतोष और किसी भी उपलब्धि के पीछे अगर किसी का हक मारा जा रहा है तो हमारे लिए दुखदायी होगा। किसी का हक मार करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कर्ता के ऊपर कर्म आता है, हिंसा करके आदमी सुखी नहीं हो सकता। अंदर में बैठा हुआ परमात्मा सब लिख रहा है, अंदर में, सबके अंदर में परमात्मा बैठा है, परमात्मा, उच्चतम आत्मा, ये जो स्वसत्ता है परमात्मा है, आप खुद परमात्मा है, अंदर में बैठा हुआ यह लिख रहा है पाप और पुण्य। चित्रगुप्त पापुण लिखते हैं, गुप्त रूप से चित्र मन में खींचना, यही चित्रगुप्त है। जो कुछ हम करते हैं गुप्त रूप से उसका चित्र खींचता रहता है अंदर में, यही चित्रगुप्त का लिखना। कोई दूसरे को धोखा दे सकता है, परमात्मा को नहीं। परमात्मा की आंखें कहाँ नहीं है? परमात्मा परमात्मा तो सब कहते हैं और घूस लेते हैं तब परमात्मा मानते हैं, मिलावटबाजी करते हैं जब, पराए की बहू बेटी पर कुदृष्ट करते हैं, धोखा देते हैं, कोई भी दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ क्या है? अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरे को तकलीफ देना, यही दुष्कर्म है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां जितनी चंचल होंगी उतना हम दुष्कर्म करेंगे। और इसका लेखा जोखा सब अंदर में चल रहा है, रिकॉर्डिंग रात दिन चलती है। ये बाहर की रिकॉर्डिंग फेल हो सकती है क्योंकि यांत्रिक गड़बड़ी होने से कहते साहब उड़ गया, जो किए थे सब उड़ गया, खराब हो जाता है, पानी पड़ जाए, आग पड़ जाए, खराब हो जाए। लेकिन जो कर्मों की रिकॉर्डिंग रात दिन चलती है वो खराब नहीं होती है, कभी भी खराब नहीं होती। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जिंदगी जीना चाहिए। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सबका अंकन अंदर में चल रहा है। हल्का सोचेंगे, गहरा सोचेंगे, अच्छा या बुरा, सबका अंकन अंदर में चलता है। और वो रील इतनी लंबी है जिसके विषय में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो चलती रहती है। जीवन की सफलता ये नहीं है कि हमने बड़ा भूखंड खरीदा और लंबे चौड़े मकान बनाए, बड़ी गाड़ियाँ और ऐश्वर्य और धन इकट्ठा हुआ, नाम बढ़ा, ये सफलता ऊपर ऊपर की जो और धोखा देने वाली है। असली सफलता है मेरा चित्त निर्मल हो, मेरी वाणी निर्मल हो, मेरे कर्म निर्मल हो, उठते बैठते चलते फिरते चित्त प्रसन्न। अब आदमी अपना चित्त नरक बनाए रहा, हरदम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, अकेले में आदमी बैठा है, लेटा है, चलता है, प्रतिक्रिया में जूझ रहा है, पत्नी से जूझ रहा है, पति से देवी जूझ रही है, भाई से, दूसरे से जूझ रहा है, ये नरक है मन का। इसको संभालो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पे हो। परम बुद्धिमानी यह है कि जिसको देख रहे हैं साथ में चलने वाला नहीं, उसके पीछे पीछे न दौड़े। और निश्चित है जितना संबंध हमारा है वो संबंध छूटेगा, रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा, शरीर छूट जाएगा, इसको लोग गाड़ देंगे, चला देंगे, पानी में फेंक देंगे, जमीन पर छोड़ देंगे। पारसी लोग जमीन पर छोड़ देते हैं, फुकंत, लुटंत, गड़ंत, बहंत, जलंत, फुकंत, लुटंत, गड़ंत, बहंत, ये चार क्रिया होती है। ये निखाता है, परोपता है, दग्धा है, चोदिता है, वेद में चारों के लिए आया।
पारसियों की परंपरा को भी वेद के ऋषि जानते थे। ये निखाता, ये का अर्थ होता है जो, निखाता खोद करके गाड़ देना, जिनको खोद करके गाड़ दिया गया है ये निखाता, ये परोपता, परोपता दूर फेंक देना पानी मुनी में, ये निखाता ये परोपता, ये दग्धा जिनको जला दिया गया, ये चोदिता ये च उद्धिता, ये जो चाउर उद्धिता ऊपर रख दिया गया जमीन पर, इन चारों के लिए ऋषि कहते हैं हे अग्नि देवता इनको ले आओ, इनको हम इनके नाम से हवन करते हैं खा लें। वे विश्वास करते थे कि मृतकों के नाम से हवन करने पर उनको खाने को मिलता है, इसलिए ऐसा वो कहते। तो ये चार क्रियाएं होती हैं, इस शरीर की यही क्रिया होनी है। इस दिन की जो याद रखता वो पाप नहीं करता है। देखते देखते अभी मैंने 15 दिन पूर्व सुना एक मेरे प्रसिद्ध भक्त को, उसका लड़का साधु मेरे पास है, सूरत में है, सीधे यहीं आना था तो कहा बेटा जाओ तुम उनके पास जाओ, उनको कैंसर हो गया उनके पिता को। गया मिला जुला, यहाँ आना चाह रहा था, रिजर्वेशन था 8 तारीख को, जहाँ से बैठना था फिर फोन आ गया वो मर गए। थोड़े दिन में उसका ऐसा हुआ, अचानक पता लगा, और ऐसा वो गंभीर था कि कोई चिकित्सा लायक नहीं था, डॉक्टरों ने कहा बस सेवा करो और कुछ नहीं होगा, 8 तारीख को मर गए। जो दूसरे के ऊपर घटता है मेरे ऊपर नहीं घट सकता, बुढ़ापा तो घटेगा ही अगर शरीर है तो, मरना घटेगा उसको कोई टाल नहीं सकता है, आँखें नहीं रह जाती हैं, हाथ टूट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, लकवा हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, प्रिय लोग बिछुड़ जाते हैं, क्या ऐसी ये घटनाओं में से मेरे लिए नहीं संभव है? लेकिन आदमी बदहोश है, वो ऐसी ऐसी कल्पना में डूबा रहता है जो बिल्कुल निरर्थक है, नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयानक महाबुद्धिमानी है कि अपने साथ चलने वाली वस्तु जो नहीं है उसके पीछे पीछे न दौड़े, जहाँ देख तहाँ बजाओ साहब डांटते, देख रहा है ये तेरे साथ चलने वाली नहीं उसी के पीछे भाग रहा है, जहाँ नहीं था तन मन लगाओ, जहाँ नहीं है तहाँ तन मन लगा रहा है, जहाँ तेरा कुछ नहीं है वहीं तूने अपने तन मन को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया है। इस संसार में हमारा कुछ नहीं, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ हमारा एक तृण नहीं, लेकिन हमने यही सब कुछ लगा दिया तो कितना धोखा हुआ। यहाँ व्यवहार करें, अपने मन को आत्मा में रखें, अंतर्मुख करें। आपका असली भवन कहाँ है? अंतरात्मा। बाहर का भवन देह के लिए है। इन दोनों तत्वों को समझना चाहिए, व्यवहार और परमार्थ ये दोनों अपना महत्व रखते हैं। भोजन व्यवहार है, शांत परमार्थ है। भोजन भी हमारा शांत के लिए होना चाहिए, लौकिक वस्तुएं आध्यात्मिक उन्नत के लिए होना चाहिए। केवल खाना जीना क्यों कमाते हैं, खाने के लिए क्यों खाते हैं, जीने के लिए क्यों जीते हैं, इसका पता नहीं है। क्या जीवन कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए और जिए सुख से रहने के लिए। कहते हैं घर मकान गाड़ी घोड़ा हो जाए सुख से रहेंगे, इससे कोई सुख से रहता है? इससे सुविधा से रहता है। सुख रहता है जब मन निर्मल हो, ग्रंथ रहित हो, मन में मवाद न हो, पीड़ा न हो, राग द्वेष न हो, कलह कल्पना न हो, तब आदमी सुख से रहता है। खाने के लिए कुछ चाहिए, जठराग में हवन करने के लिए सात्विक वस्तु की कुछ जरूरत है, बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जो उसके पीछे कितने लोग पड़े रहते हैं जीव साधु गलत करते हैं। असली भोजन गरीबों का भोजन है, सादा पानी में पका हुआ है, सादा भोजन वही असली भोजन है।
कुछ भोजन चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए और विश्राम के लिए थोड़ी जगह, वो सब होता रहेगा। सेवा परायण हो, दूसरे से हमारी सेवा होती, हम भी दूसरे की सेवा करें और अपने आत्मा के उद्धार में लगे। जहाँ न देखता हाँ भजाओ, जहाँ नहीं था तन मन लाओ, जहाँ तेरा कुछ नहीं वही तन मन लगा रहा है, जहाँ नहीं था सब कुछ जाना, जहाँ तेरा कुछ नहीं वहाँ सर्वस्व समझ लिया है, घर मकान परिवार साधु भी अगर समझ ले, मठ मंदिर से शाखा सब कुछ है तो भी धोखे में है, कुछ नहीं अपना। जब शरीर अपना नहीं तो और क्या है, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। अंतिम वाक्य इसमें साहब कहते, जहाँ है तहाँ ले पहचानी, जहाँ है वहाँ पहचान, कहाँ है पहचानने वाला, खुद स्वयं सत है, अपने को पहचाने। संत ईसा ने कहा है कि दुनिया भर को हम पा गए, अपने को खो दिए तो क्या पाए। जो अपने को पाया उसी की पक्की उपलब्धि, दुनिया को पाए दुनिया रुक नहीं सकती है, वो हरदम भाग रही है, जबरदस्ती करके कब्जा करने की चेष्टा तो अनेकों को हुई है। अलेक्जेंडर चला यूनान से शाह सिकंदर, सिकंदर महान सिकंदर कहलाया, महान सिकंदर तो नहीं था, शैतान सिकंदर था, हिंसा किया केवल, पीड़ा दिया, योग्यता तो अद्भुत थी, थोड़ी उम्र इतनी अद्भुत योग्यता, वीरता और साहस अद्भुत, लेकिन सब नकारात्मक पक्ष के लिए। लड़ते लड़ते भारत के कोने भी आया, पुर नाम राजा से युद्ध हुआ, पुर हार गए, लेकिन फिर भी उनकी सेना भी थकी थी, अंततः लौटी और पुर से संधि हुई। रास्ते में भी वो सीधे यूनान नहीं गया, लड़ते गया तो बीच में ही मर गया, भाला लगा उसको और मरा। चंगेज खा कहाँ है, हिटलर कहाँ है, कौन रह जाता है, बड़े बड़े कहलाने वाले कब्जा करने के चक्कर में चले और प्रकृति ने उन पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है एक राजा ने जमीन बेचने की घोषणा की तो एक आदमी गया, कहा हुजूर भाव बताएं, तो उन्होंने कहा 100 रुपया घंटा, कि हुजूर समझा नहीं, कहे 100 रुपये में तुम जितनी जमीन घेर लो चल करके या दौड़ करके, एक घंटा में जितना घेर लो 100 रुपया उसका दाम। तो रुपया वाला था वो, एक जगह खूटा गाड़ा गया वहाँ चला, फिर दौड़ा और हो जाए और हो जाए और हो जाए, दौड़ा 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 और दौड़ा, बस एक जगह गिरा और ही मर गए। तो लोगों ने कहा बस इतनी जमीन है यहीं खोद के गाड़ दो, हमें सोचना होगा, हम दौड़ रहे हैं ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, हम खो रहे हैं। विसर्जन असलियत है, सब कुछ का विसर्जन एक दिन यही होने वाला है, करो रे मनवा दिन की तकबीर, और तब रह जाएगा क्या शेष, स्वयं स्वयं शुद्ध आत्मा। सब कुछ का त्याग होता, अपने का त्याग नहीं होता। आप लोग विविध प्रदेशों और जगहों से आए हैं, अपना घर द्वार परिवार छोड़ के आए, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आए, अपने को छोड़ करके रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उस अपने आपा को, अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को लोग नहीं पहचानते। भारतीय परंपरा का मूल ज्ञान है आत्मज्ञान, अपने को पहचानना और अपने को दुखों से छुड़ाना, ये भारतीय ही नहीं विश्व का ज्ञान है, सबका ज्ञान है। भारत में इस पर जोर है, भारत के बाहर प्रार्थना पर ज़्यादा जोर है। वैसे हर जगह हीरे मोती हैं, लालची जिसकी मैंने चर्चा की है वो चीन के थे, पूरी पुस्तक में प्रार्थना एक वाक्य में नहीं है, किसी देवता और ईश्वर और भगवान से कुछ मांगने की बात नहीं है, तथ्य तथ्य केवल महापुरुष का एकदम तथ्य। तो बाहर भी विवेकवान हुए हैं लेकिन ज्यादातर प्रार्थना रहे,
भारतीय परंपरा में भी प्रार्थना रही, वेदों में प्रार्थनाएं हैं, लेकिन आगे चल करके प्रार्थना ध्यान में बदल गई। ध्यान अंतिम है, प्रार्थना आरंभिक है। प्रार्थना हल्के फूल की ठीक है, ध्यान में उतरना है। अब अंतिम ध्यान है निर्विकल्प समाधि, संकल्प शून्य हो जाना। हमारा मन सोचता है किसको, दुनिया की चीज को, इसलिए भयभीत रहता है। जब उसका सोचना छोड़ देता है तो निर्भय हो जाता है। गोस्वामी जी ने भी कहा, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। उन्होंने पूरे रामचरितमानस में जहाँ जहाँ कोई श्री राम के सामने आया है उसको श्री राम की सुंदरता में मोहा दिए हैं गोस्वामी जी। लेकिन वही भी जब शुद्ध अध्यात्म की बात कहे तो कहे, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं और मन में सोचते हैं वो मोह का कारण बनता है, उसमें परमार्थ नहीं। देखना सुनना जानना तीनों बंद करो तब समाधि होती है। इंद्रियों को समेट लो, मन को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ, अभ्यास करो। अगर एक क्षण के लिए आप वहाँ गए तो देखेंगे वैसा आनंद कहीं नहीं, भय का अंत वहीं है। अपने आप को पाना, आत्मा को पाना, यही ब्रह्म का पाना है। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे पूर्वजों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमस वही तू है। ब्रह्म खोजना नहीं, परमात्मा खोजना नहीं। साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ रहे बनवा, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। जहाँ है ताले पहचानी, साहब कहते जहाँ है वहाँ पहचान। तू खुद अपने को देख, अपनी तरफ दृष्टि कर, परमात्मा नहीं पाना है। जो कुछ खो जाना है उसको समझ, और जो खोने वाला उसको समझ। खोने वाला तू है और खो जाने वाली वस्तु दुनिया की माया है, लेकिन उसमें जोड़ करके तू स्वयं अपने को खोए। जब हम अपने को देह में जोड़ेंगे तो हम सोचेंगे तू बूढ़ा हो रहा है, क्या करे, बहुत परेशान है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, उसी में रो रहे हैं। अगर आत्मा पर मन है तो मृत्यु की बातें नहीं है, आत्मा अमर है, शरीर में हूँ ही नहीं, शरीर का विनाश तो पक्का है। शरीर तो एक झोपड़ा है, जैसे कोई जब मकान बनाना चाहता है तो अपने प्लाट में एक झोपड़ा पहले बनाता है, तो उसी में सीमेंट और चीज़ें लाके रखता है और फिर नींव खोदता है, मकान बनता है। मकान बन गया, रंगाई पुताई फाटक चंगले सब लग गए तो उसमें चला जाता है और उस झोपड़ी को तोड़ देता है। ये शरीर झोपड़ी है, इसमें रह करके आत्मस्थित का पक्का मकान बना हुआ। अब आत्मस्थित में पहुंच गए, ये मकान अपने आप टूट जाएगा, बस सदा आनंदित। जहाँ है ताले पहचानी, जहाँ तेरा स्वत्व है, अपना धन है, उसको पहचान। राम धन, आत्मधन, परमात्मा धन आपके अंदर है। अपनी तरफ लौटो, अपने को देखो, अपने को समझो। परमात्मा और मोक्ष पाना नहीं, क्योंकि वो खोया नहीं, वो आपका स्वत्व है, आपका होना, आपका अस्तित्व है। आपन को आप ही बिसरे हो, सतगुर कबीर ने कहा। आपन को अपना स्वरूप भाव खुद हम भूल गए। तो इस प्रकार मैंने आपसे निवेदन किया कि यहाँ अक्षर पर सतगुरु ने कहा यहाँ निग्रह स्नेह हो। यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो, क्योंकि यह अनुसार है, नकारात्मक है, तो मोह का त्याग करो। कर निर्वार संदेह हो, और संदेह का निर्वार करो, भ्रांति में न रहो। किताबों में जो जहाँ कहीं लिखी है, लिखी होने सच नहीं, और पुराने लोग कहते इसलिए भी सच नहीं, भीड़ कहते इसलिए भी सच नहीं,
सच वह है जो तर्कयुक्त युक्त युक्त है, जो विश्व के नियमों के अनुकूल है, सृष्टि क्रम के अनुकूल है, वो सही है। और जो सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है, वो चाहे किसी ने भी कहा हो गलत है, संदेह का निर्वाह करो और दुनिया की माया से अपने मन को समेटो, अंतर्मुख करो, ध्यान चिंतन में जाओ, करो रे मनवादिन की तदवीर, जब जमराजा आन करेंगे नेक धरत नहीं धीर। उसको हम भूल जाते हैं और इसी खिलौने में डूब जाते हैं, इसलिए जगने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कभी पार्क संस्थान इलाहाबाद का 21वां वार्षिक अधिवेशन का प्रथम दिन और प्रथम दिन का एक प्रथम सत्र समाप्त हो रहा है। अभी गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे आप लोग, थोड़ी देर बैठने में कई बार निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव जी जब यहाँ से प्रस्थान कर जाए तब उठे, नहीं तो रास्ते में इतनी भीड़ हो जाती है कि चलना कठिन हो जाता है। आप लोग शांत बैठे रहें और मेरा निवेदन भी सुनते जाइए। जब आप लोग भोजनालय में यहाँ से जाते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं, आखिर कोई परसने वाला होगा तब तो खिलाएंगे खाएंगे। तो आप कई ऐसे लोग हैं जो भोजन पारस करने में सहयोग कर सकते हैं।